सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे डाल सकते हैं। अगर आप अपना व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक डालना चाहते हैं तो कैसे डालेंगे, आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आप अपना व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे डाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप ओपन करना होगा। तो मैंने यहाँ पर अपना व्हाट्सएप ओपन कर लिया। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद हमें इस तरह के इंटरफेस दिखाई देंगे। तो मैं यहाँ आपको देखिए, ऊपर में तीन डॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर से आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा सेटिंग का, सिंपली आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह के इंटरफेस दिखाई देंगे। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर अकाउंट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ अकाउंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक इंटरफेस आएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर प्राइवेसी लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पर, सिंपली आपको प्राइवेसी पर क्लिक करना है। जैसे हम प्राइवेसी पर क्लिक करेंगे उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है और लास्ट में देखिए लिखा है यहाँ पर फिंगरप्रिंट लॉक, जो कि अभी डिसेबल है, आपको इसे इनेबल करना होगा। तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अनलॉक विथ फिंगरप्रिंट लिखा हुआ है। जब आप अपना व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो आपको फिंगरप्रिंट डालना होगा, उसके बाद आपका व्हाट्सएप ओपन होगा। तो यहाँ अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ऑन करना होगा। जैसे आप यहाँ पर ऑन करेंगे तो आपको फिंगरप्रिंट आपको टच करना है। अभी सेट हो चुका है, अब इसको आपको सेट करना होगा कि ये ऑटोमेटिक लॉक का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इमिडिएटली करना है, जल्दी करना है, या एक मिनट के बाद करना है, या 30 मिनट के बाद करना है। तो फर्स्ट नंबर पर जो लिखे हैं इमिडिएटली, ये ऑप्शन ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पर से बैक कर लेना है। गाइस, अब हमारा फिंगरप्रिंट सेट हो चुका है। अगर हम व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आया हुआ है। अगर आप अपना फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो ये आपका व्हाट्सएप ऑन हो जाएगा। तो आप भी इसी तरीके से लगा सकते हैं अपना फिंगरप्रिंट लॉक। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर देना, साथ में शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं।